शादी में बिल्कुल जाने को दिल नहीं चाह रहा। अच्छा छोड़ो, तुम्हें पता है जब मैं छुट्टियों से नेक्स्ट टाइम वापस आऊंगा तो तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाऊंगा। मेरे लिए क्या लाओगे? अरे अभी बता दूंगा तो सरप्राइज कैसे दूंगा? जो भी मुझे पसंद आएगा वो तुम्हारे लिए लेके आऊंगा। ठीक है, मैं छुट्टियों तक इंतजार करूंगी। गिफ्ट का? अरे नहीं बुद्धू, तुम्हारा। जब तुम वापस आओगे ना तो मैं तुम्हें यही इंतजार करती हूँ, मिलूंगी। लड़की, मैं तुम्हें सारे घर में ढूंढ रहा हूँ और तुम यहाँ पर हो। चले अप्पा। जिशान साहब, आप गाड़ी में चल के बैठे, मैं आपका सामान लेकर आता हूँ। बाय साथी। बाय। बेटी, तुम और जिशान जब छोटे थे तो हंसते खेलते थे, अभी तुम बड़ी हो गई हो, इस तरह इसके पीछे मत आया करो। ये लोग तुम्हारे बाप के साहब हैं, तुम नौकर की बेटी हो, कभी इनके बराबर बैठने का ख्वाब मत देखना, क्योंकि जब ख्वाब टूटते तो बहुत तकलीफ होती है। ये बुरखा दूल्हा की तरफ से तुम्हारे लिए एक तोहफा है। इनके यहाँ की औरतें सारी यही बुरखा पहनती हैं। अब तुम्हें भी यही पहनना पड़ेगा बुरखा। अच्छा। सादी, सादी, thank you.
साहब और मैम तो रात को आएंगे। अच्छा, लेकिन आप किसे ढूंढ रहे हैं? कहीं शादी की तलाश तो नहीं है जो हर साल आपके आने का सुनकर पहले से यहाँ मौजूद होती है? मगर इस बार नहीं है, शायद अब कभी नहीं आएगी। क्यों बाबा, क्यों नहीं आएगी? कहाँ है शादी, ठीक तो है वो? हाँ ठीक है, मगर आज। अरे मेरी बात तो सुने, आप कहाँ जा रहे हैं? बहुत बहुत मुबारक। अरे जीशान साहब, आप और हमारे घर में आज ही कॉलेज से आए ना। माफ करना, मैं आपको लेने नहीं आ सका, असल में मैंने शादी कर ली है। आए ना, मैं आपको अपनी बेगम से मिलाता हूँ। आए 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 ना, आ जाए। ये देखे, ये मेरी बेगम है। और बेगम, ये मेरे साहब का लड़का है जीशान, सलाम करो इसको। ये मेरी गोदों में पलकर बड़ा हुआ है, ये और शादी बेटी साथ ही खेलते थे। साहब आप शादी बेटी को तो नहीं ढूंढ रहे? उसकी तो शादी हो गई है, वो चली गई है, मौलवी रहमत से उसकी शादी हुई है। ये मौलवी रहमत की बेटी है, हमने वट्टा सट्टा किया, अगर आप पहले आते ना तो हम दोनों की शादी में शरीक हो जाते। अरे जीशान साहब, क्या हो गया साथी? जावेदा है, अमर है। तेरा जलवा जलाऊ भाई, खराब हो गए। एक ना महरम राहगीर को हमदर्दी दिखा रही हो, पर्दा उठाया, तो शकील की बेटी नहीं है, हमारी बीवी हो, हमारे अलावा किसी मर्द के सामने पर्दा नहीं उठाना, समझे? सबक पढ़ो, सबक पढ़ो। चलो जाओ छुट्टी, जाओ शाबाश। बड़े साईं की शादी हो गई है, आओ। शादी मुबारक। आप सबको खैर मुबारक। साजदा,
साई ये ले पानी पी ले। आगे बाढ़ बाढ़ के क्या देख रहे हो? अरे हम शादी करके आए, दुल्हन है हमारी नहीं। मुर्गा उठाओ मिनट। हमारी तीसरी वाली है साजदा, ये उनसे बड़ी और सबसे बड़ी वाली कहां मर गई हैं? साईं वो अपने कमरे में। क्या हुआ उसे? चिल्ले पे बैठी है? शाम सूंघ गया है हौकन का सुन के। अच्छा सलाम करो, छोटी माँ है तुम्हारी। अस्सलाम वालेकुम। और दबा हो जाओ, ले जाओ। बड़ी बीबी, साईं कह रहे हैं कि छोटी बीबी से मिल लो। छोटी बीबी होगी वो तेरी या तेरे साईं की? मेरी बेटी के बदले में आई है, दुश्मन है वो मेरी। मेरी मासूम बच्ची को उसके बदले में जाना पड़ा। उसे तेरे साईं अपनी शादमानी के लिए ब्याह के लाए, उसको गले से लगाऊं मैं अपने? जा बोल दो अपने साईं से कि नहीं आती मैं। चल फुट। हमें बड़ी बीबी बुलाती है, मासूम बच्ची बेचारी को। लड़की को कमरे में बैठा दिए? जी। उसरों का पानी उस बहाने में रख दिया? जी। सब रखवा दिया है। सोने से पहले नहाना धोना चाहिए, नहीं तो सुबह की नमाज कजा हो जाती है। ये क्या कर रही हो? इधर से लेट दोगी? ठीक है, जैनब। क्या हुआ? लड़की किधर है? कमरे में। अरे कमरे में नहीं, मैंने अभी उसे बिठाया खुद। और जैनब कहां मर गई है? छोड़ो उसे, अंदर बाहर हर जगह।
ज़ैनब! ओहो, घोड़े बेच के सोई हुई हो तुम यहाँ? क्यों चिल्ला रहे हो? हाँ, क्यों चिल्ला रहा हूँ? कोई इल्म है तुम्हें इस घर में क्या हो रहा है? पूरे घर में कहीं नहीं है वो। कहीं नहीं है। उठ जाओ, उठ जाओ, उठो, चल के ढूंढो। तो बाप काट देगा। सो जा मेरा बच्चा, तू सो जा। प्लीज। तुम यहां बैठी हो, मैं तुम्हें सारे घर में ढूंढ रहा हूं। चलो आप स्टेज पे चलो। आओ शाबाश। अरे तुम डर रही हो? हमारी शादी हुई है, मैं तुम्हारा शौहर हूं। शादी का मतलब तो पता है ना तुम्हें? हाँ, क्यों नहीं पता होगा, आजकल तो बच्चे बच्चे को पता है शादी का मतलब, टीवी जो देखते हैं। मैं तो भूल ही गया, तुम तो मौलवी की बेटी हो, टीवी कहाँ देखा होगा तुमने। आओ आओ शाबाश। ए अच्छा, जरा चेहरा तो दिखाओ। अरे अरे क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ, चलो आओ आओ, उठो, आ जाओ आ जाओ। क्यों डर रही हो? आ जाओ आ जाओ शाबाश। आ जाओ आ जाओ, नहीं नहीं डरो मत, कोई नहीं। उसकी बीवी नहीं बनना चाहती, मेरी जबरदस्ती शादी हुई, मुझे जाने दो प्लीज, मुझे जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना। इस तरफ होगा, यहां से निकल जाते। शुक्रिया। मुझे नहीं जाना है, मुझे
छोड़ दो, मेरी जबरदस्ती शादी हुई है, मुझे नहीं जा, मेरी जबरदस्ती शादी हुई है, मुझे जबरदस्ती क्या हुआ है? नकाब पढ़वाया गया तुम्हारा हमारे साथ, और उसके बदले तुम्हारे बाप ने हमारी लड़की से नकाब पढ़वाया। जबरदस्ती करवाई है शादी, मैंने नहीं करनी है शादी। राजी नहीं थी तो उस वक्त बोलना था, अब हमारे साथ जबान लड़ाने की जरूरत नहीं है। खुदा का ये परवरिश दी है तुम्हारे बाप ने तुम्हें, है? अपने शौहर के साथ रहने का तौर तरीका सिखाया नहीं, और ऐसे हमें हत्या दी। हम तुम्हें तौर तरीका सिखाएंगे, अदब अदाब सिखाएंगे, एहतराम सिखाएंगे। चलो अंदर ले जाओ इसे अंदर। मुझे नहीं जाना अंदर, छोड़ दो मुझे, नहीं जाना। नहीं जाना मुझे, छोड़ो मुझे। जाओ तुम। फिर तुम आराम से अंदर जाके कमरे में सो जा। नो थैंक यू, आप अपनी हमदर्दी अपने पास रखो। क्या तुम सारी जिंदगी मुझसे इसी तरह नफरत करते रहोगे? मेरी बदकिस्मत थी, जिस औरत से मैं नफरत करता हूँ वो मेरे बाप की बीवी, उसे झेलना पड़ता है मुझे। और मेरी बदकिस्मती यह है कि मेरी मोहब्बत भी तुम्हारी नफरत में कमी नहीं ला पाएगी, लेकिन मैं फिर भी उम्मीद करती हूँ कि एक ना एक दिन तुम मुझे जरूर समझोगे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम होम, और आपको घर आना बहुत बहुत मुबारक हो। लाउड खाली मुबारक देने से क्या होता है, ना उसका प्रोग्राम देखा ना उसे रिसीव किया, इवेंचुअली मुझे बाबा को भेजना पड़ा। क्यों, तुम्हें पता था मैं बिजी हूँ, तुम खुद चली जाती ना, फैजान को क्यों भेजा है, वो लेके आया इसे। आप अच्छी तरह से जानते हैं मेरा जाना उसको अच्छा ना लगता, वरना मैं जरूर चली जाती। तुम अपने तौर पर क्यों अस्यूम कर रही हो कि उसे अच्छा ना लगता? ये बात आप भी जानते हो, ये भी जानता है, और मैं भी। प्लीज आप दोनों को मेरी वजह से उलझने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हें खामखा इस तरह की बात कहनी ही नहीं चाहिए थी। मैं अब साहब के घर जा रहा हूं काम पे, साहब सुबह जल्दी निकलते हैं, मुझे उनके निकलने से पहले पहुंचना होता है, रात को आऊंगा, तुम दोपहर का खाना पकाकर सो जाना, मैं रात को आऊंगा साथ खाना खाएंगे। और डरना नहीं, दरवाजा अंदर से बंद कर लेना, मेरे पास चाबी होती है, मैं आके खोल लूंगा। वैसे तो इस मोहल्ले में कोई मसला नहीं है, लेकिन एहतियात जरूरी है। दादी बेटी भी अकेली रहती थी यहां जब मैं काम पर होता था। ठीक है, खुदा हाफिज। Thank you.
दाऊद, दाऊद क्या है? क्यों चिल्ला रही हो? क्यों गला फाड़ रही हो? क्या हुआ? ये कंगन तुम्हारे? दिमाग ठीक है तुम्हारा? मैं मर्द हूं, मैं कंगन पहनूंगा? मैं घड़ी पहनता हूं। मेरे इस सवाल का ये जवाब नहीं है दाऊद। फिर जो तुम्हारे सवाल का जवाब है तुम खुद बता दो, मेरे पास तो यही जवाब था। अगर ये कंगन मेरे नहीं है तो फिर किसके? मुझे क्या पता किसके है? इस घर में एक मैं औरत हूं, ये कंगन मेरे नहीं है, मैंने नहीं खरीदे, तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम बाहर से दूसरी औरतें लाते हो। मुझे इस घर में कोई औरत लाना होगी ना तो डंके की चोट पे लाऊंगा। ना मुझे तुम्हारा डर है, ना तुमसे छुपाने की कुछ जरूरत है। दाऊद, बात क्लियर करके जाओ प्लीज। मैंने क्लियर कर दी है, जो बताना था बता दिया है। तुम्हारी फजूल बातों का मेरे पास वक्त नहीं है, ओके? क्या मतलब है फजूल बातों का वक्त नहीं है? मतलब ये है कि मुझे दफ्तर से देर हो रही है, अब मैं क्या करूं, क्या जवाब दूं? तुम होश में हो? तुम ये कह रही हो कि कंगन मेरे है? ये मेरे भी नहीं है फिर। तो मैं क्या करूं तुम्हारे नहीं है तो? आप लोगों को आपस में लड़ने की जरूरत नहीं, ये कंगन मेरे। क्या ये कंगन तुम्हारे? क्या मतलब है? तुम्हें क्या जरूरत है इन कंगनों की? अच्छा तो तुमने खुद खरीदे हैं? और अगर खरीदे हैं तो किसके लिए खरीदे? क्यों खरीदे? जीशान, मैं सवाल पूछ रहा हूं, उसका कोई जवाब होगा। सलाम अलैकुम साहब। साहब आप कल शादी में नहीं आए, आप और मैडम का बहुत इंतजार किया मैंने साहब। मिठाई खाए ना साहब? शकील तुम्हें पता है दफ्तर की मसरूफियत इतनी होती है यार कि होश कहाँ रहता है इंसान। मैडम आप खाएं ना। शकील रख दे, मैंने भी अभी नाश्ता किया है, थोड़ी देर में खाती हूँ। जीशान साहब आप खाओ ना। चल रख, चल देर हो रही है, मैं निकालता हूँ। मुतमईन बाय। क्या आइटम है बॉस? मौलवी की लड़की तो पटाखा निकली, मोहल्ले वालों को तो वारे नहीं आ रहे हो गए, अपनी तो निकल पड़ी। जब से जोड़ी बेगम आई है हमें शाम सुन गया क्या? हर कमरे में बैठी रहती हो, घर में नई दुल्हन आई है, जरा सामने आओ मिलो उससे, शक्ल दिखाओ, देखो शौकन है तुम्हारी, तुम आदम से रिश्ते नहीं बनते। ये ले बीबी, सब्जी आ गई है। मेरी मासूम बेटी बोझ थी तुम पर, कम उम्री में उसकी शादी करा के उसे रुखसत कर दिया। शादी की उम्र थी उसकी? अपनी तो बड़ी उम्र की बीवी लेके आ गए हो ना। मेरी बीकीस अभी अभी 14वें में उतरी थी वो। हाथ उठाऊंगा तो फिर तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। बीबी जी ये ले, ये आपके समोसे पकौड़े और ये वो फोटो वाले अखबार। शुक्रिया बीबी, अगली बार मंगवाने तो बता दीजिएगा। आप द हरामखोर,
ऐसी काम चोर है, सारे मेरे कुर्ते के बटन तोड़ दिए। तुम धोया करो। साईं, आपको एक मशवरा दूं? बोलो। साईं, आप एक वॉशिंग मशीन ले लें ना, आपके कुर्ते के बटन टूटेंगे और ना कुर्ता फटेगा। 4-5 हज़ार की आती है। बड़ा जबरदस्त मशवरा है तुम्हारा। पिछली बार वॉशिंग मशीन आई थी मदरसे के लिए, पता क्या बना उसका? बाजार में बेच दी। घर के और मदरसे के खर्चे मशीनों से नहीं होते, समझ आई? पैसे से होता है, पैसे से। पैसे से दाल चीनी आती है, आटा चावल। घर में 4 बीवियां हो और दर्जनों बच्चे, मुझे मशीन की क्या जरूरत है? मैं घटिया मशवरे अपने बात रखू। अब क्या जाकर पढ़ाई भी करेगा कि यहीं तवायफ पढ़ता रहेगा जमीन के? हैं? जा निकल यहां से नालायक। जा रही है मदरसा? आ गई है? जी आ गए। मौलवी साहब घर पे ही होते? हाँ, यही है। क्या काम है आपको? सही अब्दुल्ला आ गया। साईं के घर याद है, रोटी हो जाए मार खा के आता है। पढ़ी है मुझे मार, तुम लोगों को तो नहीं पढ़ी ना। क्या हुआ, तुम्हें मार की पिटी है? आपने कभी मदरसे में पढ़ाई की है तो आपको क्या पता क्यों मार पड़ती है हमें? आप लोग तो बस बाहर से नमाज पढ़ने आते हैं, चंदा देते हैं, चंदा दे और जाए यहां से। हमसे क्या काम है आपको? ये चंदा नहीं है, तुम्हारे लिए लाया हूं। क्या चाहिए आपको? क्यों दे रहे मुझे ये? कुछ नहीं चाहिए, ऐसे ही दे रहा हूं। कोई तो मकसद है आपका, क्या चाहिए बताएं ना। कहा ना, कोई मकसद नहीं है, ऐसे ही दे रहा हूं। मुझे मदरसे में पढ़ने का शौक। तुम्हें किस चीज का शौक? मुझे किसी चीज का शौक नहीं है। मेरा नाम जीशान है। तुम्हारा? मेरा नाम अब्दुल्ला। अब्दुल्ला मतलब अल्लाह का बंदा। अरे वाह। अच्छा, मैंने सुना है कि तुम्हारे मौलवी की शादी हो गई। हाँ, कल ही तो साईं छोटी बीवी को शादी करके लाए हैं। आप क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, वो ऐसे ही, तुम्हारी जो छोटी बीवी है वो मेरे ड्राइवर की बेटी है। ड्राइवर? आपके पास तो फिर अच्छी अच्छी गाड़ियां भी होंगी, पैसे भी बहुत होंगे आपके पास। आप बड़े किस्मत वाले हैं। मैं रोज तुमसे मिलने आऊंगा, मेरी एक छोटी सी मदद करोगे? मुझे पता था कि आपका कोई मकसद है, खामखा में मुझे पैसे क्यों दे रहे हैं वरना? नहीं अब्दुल्ला, ऐसी कोई बात नहीं। साईं के जाने का वक्त हो रहा है मदरसे में, अगर मुझे उधर नहीं देखेंगे तो मेरी खाल उधेड़ देंगे। मैं जा रहा हूँ। अच्छा अब्दुल्ला, मैं कल आऊंगा। Thank you.
है क्या? अबे जल्दी कर। कौन है? जल्दी कर। अबे बोल ले क्या? कौन है बाहर? अरे कहाँ जा रहे हो? अबे जल्दी बोल ले क्या क्या कर रहे हैं? क्या आइटम है बॉस? बोलने वालों को तो वारे नहीं आ रहे हो गए, अपनी तो निकल पड़ी। कब से इंतजार कर रहे, इतना टाइम लगा दिया। बीबी जी दुकानदार के पास जाने में टाइम तो लगता है ना, और तालबू से छुप कर गया हूँ मैं। ये ने, ये सुर्खी और ये नेल पॉलिश है और ये पाउडर है। ठीक है, नेल पॉलिश भी ठीक है। बकाया पैसे? किस चीज के बकाया पैसे? चीजें इतनी महंगी हो गई हैं, दुकानदार को मस्का लगाया तब उसने इतनी दी है, और मैंने आपको पहले कह दिया था जो पैसे बचेंगे उसमें मूंगफली खरीद कर खाऊंगा। अच्छा अच्छा ठीक है। सलाम बीबी। अरे तुम फिर आ गए हो, मारेंगे वो तुम्हें। कुछ नहीं होगा, अब तो मुझे आदत पड़ गई है मार खाने की। आपके साहब बहुत दिल वाले। कौन साहब? जीशान साहब, आप उनके नौकर की बेटी है ना? Song.